हेलो नमस्कार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम बाय एग्जामपुर पर। तो कैसे हैं आप लोग, जल्दी से आप लोग बताएंगे भाई। सभी साथी जल्दी से आ जाइए, सभी लोग जल्दी से आ जाइए और सभी लोग सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आपके साथी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, यार हैं, वो भी हमारे साथ आ जाए, वो भी हमारे साथ जुड़ जाए और सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए। ठीक है भैया, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो जी, तो एक बार जल्दी से आप लोग आ जाएं, फिर हम लोग क्या करते हैं भैया, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो आपकी क्लास होती है, ये किसकी होती है, जीके जीएस की क्लास होती है ना। राधे मुकेश जी, चलो सभी लोग आ जाएंगे, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, सभी को गुड इवनिंग भैया। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करते भैया, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट है जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब भाई वो पॉइंट है क्या, आखिर वो पॉइंट है क्या, तो हम आपको बताते हैं। देखो कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप सभी को क्या करना है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है भैया, आप सभी क्या करेंगे, हाँ जी सभी को नमस्कार, आप सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करेंगे। कहां से, गूगल प्ले स्टोर से। कहां से, गूगल प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है भैया, डाउनलोड जब आप लोग करेंगे तो इसका साइन कुछ इस प्रकार से आएगा, तो इसको क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देना, और अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद अपनी मेल आईडी डालेंगे और एक अच्छा सा आप लोग पासवर्ड बनाएंगे। ठीक है, जब ये आप लोग ओपन करोगे इसको फाइनली, तो ये इस प्रकार के फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जहां पे आपको सभी नौकरियों की क्या मिल जाएगी, अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, सभी कोर्सेज के बारे में आपको पता चल जाएगा, जो भी आपके पेड कोर्स चल रहे हैं एप्लीकेशन पे, उन पेड कोर्सेज के बारे में आपको पता चल जाएगा। ऑल कोर्सेज की क्या मिल जाएंगी, फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है भैया, यहाँ पे अनलिमिटेड आपको क्या मिल जाएंगी, क्विजेज एवं प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मिल जाएगा, स्कॉलर बेस्ड। मतलब यहाँ पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है, जिसमें सभी बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्राइज भी दिया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे क्या है, चल रही है। ठीक है भैया, एक बार जल्दी से आप लोग आ जाओ सभी साथी, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, यदि आप लोग मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं, तो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया स्पेशल सा एक आपका मुहिम चलाई गई है। देखो, जो भी मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया मुहिम चलाई गई है। और ये मुहिम क्या है भैया, एमपी स्पेशल परिवर्तन 3.0 क्या हो गया है, बैच लॉन्च हो गया है, कॉम्बो बैच। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, हम आपको बताते हैं। यदि आप लोग एमपी वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका आपको क्या मिल जाएगा, फुल कोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा, फुल कोर्स मिलेगा, और ऐसा नहीं है रिकॉर्डेड, लाइव मिलेगा। क्या मिलेगा, लाइव मिलेगा। यदि आप लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका भी क्या मिलेगा, लाइव कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया, अभी अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। यदि आप लोग एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका भी आपको क्या मिल जाएगा, लाइव कोर्स मिल जाएगा। यदि आप लोग एमपी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका भी लाइव कोर्स मिलेगा। और यदि आप लोग एमपी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका भी आपको क्या मिल जाएगा, लाइव कोर्स मिल जाएगा। और सभी कोर्स आपके कब स्टार्ट हो रहे हैं, अप्रैल में, कब, अप्रैल में आपको कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आपके पूरे कोर्स आपको कितने में मिल जाएंगे भैया, ये पूरे कोर्स आपको मिल जाएंगे कितने में, 999 रुपए में। लेकिन ये उनके लिए है जो क्या है, न्यू स्टूडेंट है, जो क्या है भैया, न्यू स्टूडेंट है, जो नए विद्यार्थी है। तो नए स्टूडेंट को क्या करना भैया, 999 में लेने के लिए आपको कोड यूज करना है ईपी न्यू। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएंगे, ये पूरे कोर्स आपको मिल जाएंगे। यदि आप लोग पुराने स्टूडेंट हैं, तो भैया पुराने स्टूडेंट को क्या करना है, ईपीओएलडी ओल्ड कोड यूज करना है, और ये आपको कितने में मिल जाएगा, 749 रुपए में मिल जाएगा। तो ये बेहद आसान चीजें हैं। ठीक है, अब लेकिन बात यह है, ये 4-5 कोर्स आपको मिल रहे हैं भैया, लाइव कोर्स मिल रहे हैं, तो ये तो केवल 4-5 कोर्स भी है ही है। मतलब आप एमपी के हो, तो आप लोगों को एमपी स्पेशल दिया जा रहा है, आप केवल एमपी की ही तैयारी कर सकते हो। लेकिन आपका दिमाग बनता है भैया, हम तो मध्य प्रदेश के साथ साथ रेलवे की तैयारी की भी करना चाहते हैं, और बैंकिंग की भी तैयारी करना चाहते हैं, डिफेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं, ये भी तैयारियां करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम आपको बताते हैं। तो आपको क्या लेना पड़ेगा भैया,
अच्छा, और जो भी कोर्स लेंगे उनका जो महाकुंभ वाला जो पैक है वो उनको साथ मिल जाएगा, वो उनको साथ में मिल जाएगा, ठीक है भैया। अब बात ये आती है कि यदि आप ये चाहते हो कि हम तो भैया एमपी के सारे कोर्स पढ़ लेंगे, एमपी के अलावा हमें भैया रेलवे की भी तैयारी करनी है, रेलवे की भी तैयारी करनी है, हमें एसएससी की भी तैयारी करनी है, हमें भैया तैयारी करनी है बैंकिंग की भी तैयारी करनी है, किसकी बैंकिंग की भी आपको तैयारी करनी है, आपको डिफेंस की भी तैयारी करनी है, डिफेंस की भी तैयारी करनी है, जैसे एनडीए सीडीएस वगैरह इनकी भी तैयारी करनी है, और एमपी की भी हमें तैयारी करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने एमपी की एग्जाम दे लिए, आपका मन है हमें रेलवे की तैयारी करनी है, आप रेलवे की तैयारी कर लो, आपका मन है हमें एसएससी सीजीएल वगैरह सीपीयू की तैयारी करनी है, आप एसएससी की तैयारी कर लो, आपका मन है हमें बैंकिंग की तैयारी करनी है, आप बैंकिंग की तैयारी कर लो। लेकिन ये सब कोर्स आपको कैसे मिलेंगे, तो ये सब कोर्स आपको मिल जाएंगे, आपको क्या करना है भैया, आपको 1999 वाला पैक लेना पड़ेगा, और ये नए स्टूडेंट के लिए है, आपको क्या करना है, ईपी न्यू कोड यूज करना है, और जब आप लोग ये कोड यूज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये बैच परचेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग यदि पुराने स्टूडेंट हो तो आपको ये कितने में मिल जाएगा, 1499 में मिल जाएगा, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ईपीओएलडी ओल्ड कोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो कितनी बेहतर सुविधा है, हम आपसे मान के चलो आप नए स्टूडेंट हैं, हम आपसे कितने 2000 रुपए ले भी रहे, मान के चलो हम आपसे कितने 2000 रुपए ले भी रहे, ठीक है, 2000 रुपए हम क्या कर रहे हैं आपसे ले भी रहे, यानी 2K यदि 2000 रुपए हम आपसे ले भी रहे, तो 2000 रुपए में होता ही क्या है, हम आपको एक साल पढ़ा भी तो रहे, वन ईयर हम आपको एक साल पढ़ा भी तो रहे, एमपी के सारे कोर्स दे रहे, रेलवे के सारे कोर्स दे रहे, एसएससी के सारे कोर्स दे रहे, बैंकिंग के सभी कोर्स आपको मिल जाएंगे, डिफेंस के सभी कोर्स मिल जाएंगे, और जो भी इंडिया में एग्जाम होते हैं उन सभी के आपको कोर्स मिल जाएंगे, और भैया महाकुंभ आपको अलग से मिलेगा, हर प्रकार का महाकुंभ, मतलब 214 कोर्स आपको अलग से मिल जाएंगे। तो कितनी मतलब बेहतर वो है, मतलब आपने सोचा कि हमें इसकी तैयारी करनी है, उसका कोर्स आपके पास क्या है, अवेलेबल है, उसका कोर्स आपके पास क्या है, अवेलेबल है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, इनमें आपको लाइव क्लासें मिलेंगी, क्लासेस पीडीएफ मिलेंगी आपको, है ना, स्पेशल पीडीएफ भी आपको मिलेंगे, स्पेशल सेशन भी आपके रहेंगे, वीकली सेशन भी रहेंगे, वीकली टेस्ट भी रहेंगे, मॉक टेस्ट भी रहेंगे, और कंप्लीट आपको स्टडी प्लान भी दिया जाएगा, सारी चीजें बेहतर रहेंगी, बिल्कुल लाइव चलेंगे कोर्स अप्रैल से, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, तो ये पॉइंट आप लोग विशेष याद रखना, आपका कोई भी साथी भाई बंधु मित्र यार है तो उनको भी आप लोग बता सकते हो, सजेशन कर सकते हो, ठीक है भैया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, यदि आप लोग परिवर्तन 3.0 के साथ साथ नोट्स भी लेना चाहते हैं तो नोट्स आपको रेट टू रेट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झमेला नहीं है, बहुत कम रेट में मिल जाएंगे आपको नोट्स, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अब देखो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो आपकी क्लास होती है, ये जो आपकी क्लास होती है जीके जीएस और प्लस स्टडी जीके की होती है, ठीक है। तो आज कितना है भैया 29 मार्च है, कितना है 29 मार्च है, तो 29 मार्च की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और इसमें हमने क्या डाले हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन डाले हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन डाले हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन डाले हैं, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन डाले हैं, किसके आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन डाले हैं, और मतलब कुछ साइंस के भी क्वेश्चन डाले हैं, तो मजा आ जाएगा। फाइनली जो बात है वो ये है कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो जी, तो क्लास को स्टार्ट करने के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये आज का मोटिवेशन पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, वाह मजा आ गया, आह मजा आ गया। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की आन का है, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, ये नशा हमें हिंदुस्तान का है, आह वाह बहुत बढ़िया है ना, मजा आ गया। तो इन पॉइंटों को भैया अपने दिल में रखकर, इन पॉइंटों को आप लोग अपने दिल में रखकर और क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। ये देखो ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोग क्या कर दो, आंसर कर दो। ये आज का आपका क्या है भैया, पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोग क्या कर दो, आंसर कर दो। आंसर कैसे करोगे, याद रखना जैसे क्वेश्चन नंबर एक का आंसर आपका ए आ रहा है तो आपको 1A कमेंट करना है, यदि आपका आंसर बी आता है तो आपको 1B कमेंट करना है, यदि आपका आंसर सी आता है तो आपको 1C कमेंट करना है, और यदि आपका आंसर डी आता है तो आपको क्या करना है, 1D कमेंट करना है। इस प्रकार से आप लोग कमेंट करते चलिए और पढ़ते चलिए, बहुत बढ़िया। चलो जी आंसर देना है भैया फटाफट, क्विक फास्ट। वर्णक्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं, वर्णक्रम के, जैसे आपने देखा होगा ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक प्रिज्म होता है इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। अब कोई भी प्रिज्म में क्या आती है, श्वेत प्रकाश की किरण आती है, क्या आती है, श्वेत प्रकाश की किरण आती है जिसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, और जब ये किरण आती है तो ये क्या कर जाती है, ये भैया 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिसमें से सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर होता है लाल रंग,
रंग। और सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे होता है बैंगनी रंग। क्या होता है? बैंगनी रंग होता है। तो ये आप लोग नोट कर लो, यानी कहीं ना कहीं ये कितने सिरों का निर्माण करती है, ये दो सिरों का निर्माण करती है, जिसमें सबसे ऊपर होता है लाल रंग और सबसे नीचे क्या होता है, बैंगनी रंग। तो लाल और नारंगी तो होता नहीं है, लाल और हरा तो होता नहीं है, और पीला और नारंगी तो होता नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बैंगनी और लाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बैंगनी और लाल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ तरंग दैर्ध्य किसका अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य किसका अधिक होता है? तो आप कहोगे भैया तरंग दैर्ध्य अधिक होता है किसका, लाल रंग का। लेकिन तरंग दैर्ध्य कम किसका होता है, तो तरंग दैर्ध्य कम होता है किसका, बैंगनी रंग का। और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आकाश होता है इसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि भैया बैंगनीकरण क्या हो जाती है, प्रकीर्ण ज्यादा हो जाती है, और इसी कारण आकाश का रंग हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा पहले का। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करते चलिए भैया सभी लोग। ये देखो, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम में जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भैया जो हमारा स्वतंत्र, जो हमारा वातावरण है, उसमें जो हमारे कई प्रकार के जीव पाए गए हैं, तो हमें यह पूछा गया है हमसे कि जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है। क्या होती है, सेल होती है, यानी क्या होती है, कोशिका होती है। क्या होती है भैया, कोशिका। तो जो जीव होता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, और कोशिका से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है। क्या बनता है, ऊतक बनता है, और ऊतक से मिलकर क्या बनता है, अंग बनता है। क्या बनता है, अंग बनता है, और अंग से मिलकर क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है, शरीर बनता है। क्या बनता है, शरीर बनता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या चलता है, क्रम चलता है, और इसका हमसे सार्थक क्रम भी पूछा जाता है। तो ये आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो, सबसे छोटा क्या है, हमारी सेल है, कोशिका है। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, कोशिका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोशिका विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कोशिका है इसकी खोज कब हुई थी, तो आप कहोगे भैया 1665 में। 1665 में क्या हुई थी, इसकी खोज हुई थी, और किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या की थी भैया, इसकी खोज की थी। ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, लेकिन कोशिका में क्या होता है, एक केंद्रक होता है। इस बात की खोज कब हुई थी, तो आप कहोगे 1831 में ये खोज हुई थी कि कोशिका में एक केंद्रक होता है, और इसकी खोज किसने की थी, तो आप कहोगे रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, तो आप कहोगे लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये भी आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो। ठीक है, और कोशिका में प्रोटीन का भंडार किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है भैया, प्रोटीन का भंडार कहा जाता है। किसमें, कोशिका में। ये भी आप लोग नोट कर लो। ठीक है, चलो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। ठीक है भाई, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारी आकाशगंगा है ना, उसकी निकटतम गैलेक्सी कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, आप कहोगे मंदाकिनी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। तो ये हमारी आकाशगंगा का नाम हो जाएगा, जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं। लेकिन आकाशगंगा कहते किसको है, तो आप कहोगे तारों का चमकता सहरा हो, यानी तारों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं। तो ऐसी कितनी आकाशगंगाएं हैं, तो आप कहोगे भैया ऐसी 2 × 10^11 क्या है भैया, हमारे पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं हैं। 2 × 10^11 आकाशगंगाएं हैं पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है भैया, जिसमें से हमारी जो आकाशगंगा है, मंदाकिनी, दुग्धमेखला गैलेक्सी, इसकी नजदीकी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो एंड्रोमेडा। क्या आ जाएगा, एंड्रोमेडा विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसका भी आंसर आ रहा है 2 का बी।
या जिसका भी आंसर तीन का भी आ रहा है, मजा आ गया भैया। हमारे आकाशगंगा की नजदीकी आकाशगंगा का नाम क्या है भैया? एंड्रोमेडा है। जैसे आपका घर होता है तो आपके घर के बगल में जो घर होता है वही तो आपका पड़ोसी होता है, वही तो आपके बगल के मतलब पास में नजदीक होता है। उसी प्रकार से जो हमारी आकाशगंगा है उसकी सबसे नजदीकी आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा, इसको हमारा पड़ोसी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तीन का ए नहीं आएगा, तीन का क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? तीन का बी आएगा। ये देखो, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो इसके संवेग को किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो इसके संवेग को व्यक्त किया जा सकता है, ये आपको क्या करना है बताना है, जल्दी से आप लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर चार है ना, आपने बहुत अच्छे से समझा है कि जो संवेग होता है, जो संवेग होता है वो क्या होता है भैया? वो होता है, याद रखना आपका P बराबर क्या होता है? M into V होता है। क्या होता है? M into V होता है। क्योंकि जो द्रव्यमान है और जो वेग है इनका जो गुणनफल है वही हमारा क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया? चार का आंसर आ जाएगा A। क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। 1/2 mv² क्या होता है? ये गतिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। ये भी आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो। 1/2 mv² क्या होता है? आपका गतिज ऊर्जा होता है। क्लियर है? बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर चार का आंसर क्या लगाओगे? ए लगाओगे, है ना। और आप लोग फटाफट आंसर करते जाओ, आप लोग फटाफट सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो। यार आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, मतलब क्या ही है ना। ऐसे थोड़ी ना चलता है भाई, ऐसे थोड़ी ना चलता है यार। ये देखो, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी का, तो आप कहोगे भैया घरेलू मक्खी का जो जीव वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूस्का डोमेस्टिका। क्या हो जाएगा? म्यूस्का डोमेस्टिका। लेकिन जो होमो सेपियंस है ये किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? तो आप कहोगे ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। किसका? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस भैया मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे वैज्ञानिक नाम से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हमने यहाँ पे पूरी की पूरी एक क्या रख दी? सीट रख दी भैया। यदि एग्जाम में आएगा तो इसी में से फंस जाएगा, यदि एग्जाम में आएगा तो इसी में से फंस जाएगा। इनको आप लोग पढ़ लो। जैसे मक्खी का वैज्ञानिक नाम और शेर का पूछा जाता है, शेर का, ये चीता, बाघ, शेर, इनके वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं भैया, इनको आप लोग नोट कर लो। इसके बाद बकरी का पूछा जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लो। भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, मनुष्य, इनको तो पूछे ही जाते हैं, इन ऊपर वालों को भी याद कर लो। ये आपके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये आपके क्या है? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? वैज्ञानिक नाम हो जाएंगे। चलो जी, उच्च तापमान मापने के लिए, उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। बताओ जल्दी से, उच्च तापमान को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का क्या करते हैं? यूज करते हैं। बताओ भैया, तो उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? जल्दी से आप लोग बताओ। अमीटर का यूज करते हैं या पायरोमीटर का यूज करते हैं या बोलोमीटर का यूज करते हैं या फ्लक्स मीटर का यूज करते हैं? तो जब कभी तापमान ज्यादा होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पायरोमीटर का यूज करते हैं। किसका? पायरोमीटर का यूज करते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है, 6 का। अमीटर के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। क्या? विद्युत धारा मापते हैं। क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। ये भी आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इसको छोड़ो, ये देखो, हाँ, चार तत्व सूचीबद्ध किए गए हैं जिसमें से तीन किस तरह किसी तरह से समान है, तीन किसी तरह से क्या है? समान है। तीन किसी तरह से क्या है? समान है। और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। इसका मतलब यह है कि इनमें से तीन क्या है? कहीं ना कहीं किसी रूप से समान है और एक क्या है? अलग है। उस अलग को हमें क्या करना है? छांटना है। अब आपने आवर्त सारणी पढ़ी है, आवर्त सारणी, अब आपने आवर्त सारणी पढ़ी है ना, और आवर्त सारणी का ग्रुप आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, ग्रुप नंबर 18 पढ़ा है। तो ग्रुप नंबर 18 के तत्व कौन कौन से हैं? देखो, आर्गन है, हीलियम है और नियोन है। ये तीनों तत्व क्या हो जाएंगे? ग्रुप नंबर 18 के हो जाएंगे। लेकिन ग्रुप नंबर 1 का कौन सा तत्व हो जाएगा? तो सोडियम हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा भैया डी, क्योंकि सोडियम क्या है? अलग है। सोडियम क्या है? अलग है। तुम कैसे दे सकते हो? 18 ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस, इसी को हम लोग बोलते हैं शून्य समूह। किसको? 18वें ग्रुप को। तो आंसर क्या लगाओगे? डी नहीं लगाओगे? बताओ, है ना, आंसर क्या लगाओगे? डी लगाओगे ना। फिर भैया नाक कटाने के लिए आए बस क्वेश्चन का गलत आंसर देने के लिए, तो भैया ऐसे कहेंगे कौन आंसर देगा? आप दोनों हाथ उठा देंगे, ऐसे गलत हो जाएगा, फिर डिलीट भी कर देंगे। ये भी तुम में क्वालिटी है,
है ना। चलो फटाफट आंसर करते जाएंगे, आंसर क्या लगाओगे आप लोग? डी, ठीक है। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? इनमें से कौन सा द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है स्थित है, जल्दी से आप लोग बताओ। तो उमानंद या माजुली या द्वीप, या द्वीप तो देखो होगा नहीं क्योंकि द्वीप तो द्वीप ही है, या नील द्वीप, इसका कुछ नाम होना चाहिए था। तो देखो उमानंद, ये क्या हो जाएगा, ये विश्व का, ये क्या हो जाएगा, विश्व का क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नदी द्वीप हो जाएगा, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप हो जाएगा जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहां पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और ये कहां पे है? असम में है। कहां पे है? असम में। ये भी आप लोग नोट कर लो। जो माजुली है ये क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा, और ये भी कहां पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और ये भी कहां पे है? असम में है। ये भी आप लोग नोट कर लो, ठीक है। जो नील द्वीप है ये कहां पे है? ये अंडमान निकोबार में है। कहां पे? अंडमान एवं निकोबार में है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, क्योंकि जो इसमें हमसे यही तो पूछा गया है कि अंडमान निकोबार में कौन सा द्वीप स्थित है, तो आप क्या लगा दोगे? क्वेश्चन नंबर 8 का डी आंसर लगा दोगे, क्या? डी आंसर लगा दोगे, ठीक है। वो तो असम में है ना, तुम मतलब पागलों की तरह आंसर करते हो। अंडमान निकोबार में स्थित है, यही तो हमसे पूछा है, तो आंसर क्या लगा दोगे? नील द्वीप लगा दोगे। जो नील द्वीप है इसका नाम क्या रखा गया है? शहीद द्वीप, शहीद द्वीप नाम रखा गया है। ये भी आप लोग नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहां पे रॉस द्वीप भी है, रॉस द्वीप भी है अंडमान निकोबार में, और रॉस द्वीप का क्या नाम रखा गया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम रखा गया है। अंडमान निकोबार में हैवलॉक द्वीप भी है, हैवलॉक द्वीप भी है, और हैवलॉक द्वीप का क्या नाम रखा गया है? तो आप कहोगे स्वराज द्वीप इसका नाम रखा गया है। तो हैवलॉक द्वीप का क्या नाम रखा गया है? स्वराज द्वीप नाम रखा गया है। ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार हमारा भारत का यूटी हो जाएगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। और अंडमान निकोबार में ही क्या है? भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार में ही भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम क्या है? वैरन द्वीप है। क्या नाम है? वैरन द्वीप है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वैरन द्वीप है। ये कहां पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। ये अंडमान निकोबार हो जाएगा, जो ऊपर अंडमान और नीचे क्या हो जाएगा? निकोबार। और ये दोनों क्या है? 10 डिग्री चैनल से क्या है? अलग होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। क्लियर है भाई? चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये देखो, भारत के संविधान के लागू होने के समय मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? ये आपको बताना है। इसका मतलब यह है कि जब हमारा पूरा संविधान लागू हुआ था, तब 26 जनवरी को, जब हमारा 1950 में 26 जनवरी को पूरा संविधान लागू हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो आप कहोगे भैया उस टाइम पे हमारे अनुच्छेद में कितने अनुच्छेद थे? उस टाइम पे हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद थे कितने? 395। कितने? 395 अनुच्छेद थे। लेकिन भारत के संविधान में टोटल भाग कितने थे? तो आप कहोगे भैया भाग थे कितने? टोटल 22 थे। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां जब हमारा संविधान लॉन्च हुआ था, मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? तो आप कहोगे मूल संविधान में अनुसूचियां थी कितनी भैया? 8 थी, ठीक है। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो आप कहोगे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। वर्तमान में कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। वर्तमान में कितने आर्टिकल हो गए हैं? तो भैया 470 प्लस आर्टिकल हो गए हैं। 470 प्लस आर्टिकल हो गए हैं। तो हमसे यही तो पूछा है कि मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस टाइम पे कितने आर्टिकल थे? तो आप आंसर क्या लगा दोगे? डी लगा दोगे। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आंसर क्या लगाओगे भैया? डी लगाओगे। क्या लगाओगे? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो जी ये देखो, बताओ इसका आंसर सभी लोग कि पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है? पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये आपको क्या करना है बताना है। चंदौली में, या सिवनी में, या वारंगल में, या फिर कहाँ पे? लखीमपुर में। तो देखो आप लोग जानते हैं लखीमपुर खीरी, जो लखीमपुर खीरी जिला है ये कहाँ पे है भैया? ये यूपी में है। कहाँ पे है? जो जिला है, जो लखीमपुर खीरी जो आपका जिला है, ये कहाँ पे है भैया? यूपी में है। और यूपी का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी। और यहीं पर क्या है भैया? यहीं पर दुधवा नेशनल पार्क है। यहीं पर क्या है भैया? यहीं पर दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी में। लेकिन इसका आंसर लखीमपुर खीरी नहीं आएगा, इसका आंसर आ जाएगा वारंगल में। जो आपका पाखल वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पे है भैया? वारंगल में है। और ये वारंगल कहाँ पे पड़ता है? ये आपका तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पे? तेलंगाना में पड़ता है। और तेलंगाना भारत का क्या था? 29वां राज्य था, ये बात आप लोग जानते हैं, जो कि किससे? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है।
तो तेलंगाना में है तो तेलंगाना के सीएम कौन हो जाएंगे भैया, के चंद्रशेखर राव, और यहाँ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे तो तमिलसाई सौंदराजन। कौन? तमिलसाई सौंदराजन। यहाँ पे क्या है, केवीआर वन्यजीव अभयारण्य है, यहाँ पे अमराबाद टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे कवल टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे पाखल झील भी है और पाखल वन्यजीव अभयारण्य भी है ना, यहाँ पे पोचार बांध भी है और पोचारम क्या है भाई यहाँ पे अभयारण्य भी है, यहाँ पे महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपको किससे पढ़ना है, आंध्र प्रदेश सॉरी तेलंगाना से संबंधित पढ़ना है ये सभी पॉइंट, किससे, तेलंगाना को लेकर आपको ये सभी पॉइंट नोट करने हैं, ठीक है। मुकेश जी बहुत बढ़िया, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या लगा दोगे स्थिति? यार हमें ये समझ में नहीं आता कि भाई आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे है ना भाई, पेपर चल रहे हैं आप लोग मतलब पढ़ते ही नहीं हो, पता नहीं क्या ही है, बस आते हो ढूंढ ढाक के चले जाते हो है, या टाइम आपको अच्छा नहीं लग रहा या कंटेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा, बताओ। नमस्ते भाई सभी को, सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया, झांसी वाले भैया नमस्ते, है ना। तो भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहां स्थित की गई थी ये आपको बताना है, भारत की जो प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी है ये कहां पे भैया, बड़ोदरा, बड़ोदरा गुजरात में स्थित की गई थी, कहां पे, बड़ोदरा गुजरात में स्थित की गई थी। आंसर क्या लगा दोगे आप लोग, बी लगा दोगे, ठीक है। अब ये गुजरात में है तो गुजरात के बारे में पढ़ लो, गुजरात के सीएम कौन हो जाएंगे, भूपेंद्र पटेल, यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे भैया, तो आचार्य देवव्रत, क्या हो जाएंगे, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। यहाँ पे नागेश्वर मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है भैया, यहाँ पे समुद्री कच्छ की खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य है, यहाँ पे नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है, काकरापारा क्या है यहाँ पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यहाँ पे क्या है नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य है और सरदार सरोवर वन्यजीव अभयारण्य है और सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, पोरबंदर झील वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये आपका क्या है, गुजरात स्पेशल है, ये क्या है भैया, गुजरात स्पेशल है। इनको आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो भाई, है ना, इनको आप लोग क्या कर लो, एक बार नोट कर लो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, कर दो इसका आंसर तो हम समझें, है ना। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में पाए गए हैं, लिपि में पाए गए हैं। तो आप लोग जानते हैं जो भारत है, जो भारत है, भारत की राजभाषा क्या है, भारत की राजभाषा क्या है, तो आप कहोगे हिंदी है, भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है, और लिपि कौन सी है, देवनागरी है, देवनागरी। ये आपको यहां से नोट करना है, ठीक है। लेकिन जो अशोक के जो अभिलेख पाए गए हैं प्राचीन तंबू किस में थे, वो ब्राही लिपि में थे, किस में थे, ब्राही लिपि में थे। आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा, बताओ। हड़प्पा लिपि में नहीं, हड़प्पा संबंध, हड़प्पा से संबंधित ही नहीं था अशोक, अशोक हड़प्पा से संबंधित ही नहीं था, है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी। और अशोक के अभिलेख भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख पाए गए हैं और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में पढ़ा गया था, किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है, किसने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। चलो चलो जी, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा, ये आपको क्या करना है बताना है, जल्दी से आप लोग बताओ। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये किसके लिए यूज होता है, तो ये कहीं ना कहीं मानव तकनीक के लिए, यानी ह्यूमन रोबोट के लिए यूज होता है, ह्यूमन ह्यूमन रोबोट के लिए यूज होता है, किसके, ह्यूमन रोबोट के लिए यूज होता है। जो रोबोट होता है ये भी मनुष्य की तरह कार्य करता है, ये भी बोलता है, सुनता है, काम करता है, क्योंकि इसके अंदर भी सेंसर लगे होते हैं। जैसे हमने बोल दिया रोबोट दाएं मुड़, तो जो हमने बोला तो उसके अंदर सेंसर लगे हैं, तो वो दाएं मुड़ जाएगा, बाएं मुड़ जाएगा, रोटी ला, सब्जी ला, ये सारे काम करता है रोबोट, ठीक है। तो इसी के लिए क्या किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया गया है, और वो किसने किया है भैया, जॉन मैककार्थी ने, किसने, जॉन मैककार्थी ने। आंसर क्या आ जाएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 15 का ए आ जाएगा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना भैया। इस टाइप से जब आप लोग कठिन कठिन शब्दों का उच्चारण करोगे, कठिन कठिन शब्दों को जब आप लोग पढ़ोगे, कठिन कठिन शब्दों को जब आप लोग गले लगाओगे, तो आसान शब्द और शब्द तो ऑटोमेटिक कर जाओगे। भारत के समुद्री मार्ग की खोज पहली बार किसने की थी, ये आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं जो भारत में पहले व्यक्ति आए थे वो कौन थे, पुर्तगाली थे, और ये कब आए थे, मई में आए थे, कब आए थे, मई 1498 में आए थे। और भारत में पहला व्यक्ति कौन आया था, तो वास्को डी गामा आया था, वास्को,
वास्को डिगामा आया था, इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वास्को डिगामा आया था। और भारत वास्को डिगामा कितनी बार आया था, तो भैया वास्को डिगामा भारत में 3 बार आया था, ठीक है। कहां से आया था, पुर्तगाल से आया था, और पुर्तगाल की राजधानी क्या थी, लिस्बन, और मुद्रा क्या थी, यूरो थी। क्या थी मुद्रा, यूरो थी, ये भी आपको नोट करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भैया ए, क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब जो वास्को डिगामा था वो आया था तो ये कहां गया था, ये गया था भैया कहां पे, केरल के, केरल, केरल गया था केरल, और केरल के कहां पे, कपक डाबू बंदरगाह पे, कपक डाबू बंदरगाह, डाबू बंदरगाह पे गया था, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं कालीकट बंदरगाह, कालीकट, कालीकट बंदरगाह पे गया था, और वहां पे ये उतरा था, वहीं पर इसने अपने जहाज रखे थे। तो उस टाइम पे केरल वाले क्षेत्र का राजा कौन था, तो आप कहोगे जमोरिन था, कौन था, जमोरिन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब वास्को डी गामा आया था तो केरल का राजा कौन था, जमोरिन था, जमोरिन ने इसका क्या किया, स्वागत किया। आंसर क्या लगा दोगे भैया, आंसर लगा दोगे ए, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सेम लिखी हुई पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहां पे, एप्लीकेशन पे, ये सेम लिखी हुई पीडीएफ आपको कहां पे मिल जाएगी, एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये भैया वो मार्ग हो जाएगा जहां से कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। देखो ये आपका क्या हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा, और यहां से ऐसे करते हुए ये ऐसे दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु से होते हुए अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा, केप ऑफ गुड होप, यानी आशा आंतरिक क्षेत्र। तो यहां से होते हुए ये आपका सीधा और ऐसे करके और हमारे कहां पे, केरल वाले पार्ट में पहुंच जाता है, मालाबार पार्ट में पहुंच जाता है, ठीक है भैया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चरमपंथी नेता नहीं था, है ना, चरमपंथी, चरमपंथी नेता को हम लोग क्या बोलते हैं, चरमपंथी नेता को हम लोग बोलते हैं गरम दल का, गरम दल, गरम दल का नेता बोलते हैं, ठीक है। तो गरम दल से संबंधित कौन था, बिपिन चंद्र घोष था, बिपिन चंद्र पाल था, और श्री आशुतोष घोष था, सॉरी श्री अरविंदो घोष था, अरविंदो घोष था, और बाल गंगाधर तिलक थे। ये क्या थे भैया, गरम दल के नेता थे। तो जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे ये क्या थे, नरम दल के थे, ये क्या थे, नरम दल के, नरम दल के थे। अब जब नरम दल के थे तो इनको हम लोग नरमपंथी बोलते हैं, नरम पंथी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नरमपंथी बोलते हैं। तो यही तो पूछा गया है कि भैया चरमपंथी नहीं थे, चरमपंथी नेता नहीं थे, तो चरमपंथी नेता नहीं थे तो नरमपंथी होंगे, और नरमपंथी कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था गरम दल और नरम दल में, तो आप कहोगे 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, और कहां पे, सूरत अधिवेशन में, सूरत कहां पे, सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल एक हो गया था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, डी। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा में भारत का, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया गया है, हरियाणा के किस स्थान पर, हरियाणा के किस स्थान पर भारत सरकार द्वारा क्या लगाया गया है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया गया है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कर दो भाई, सभी लोग, है ना, सभी लोग क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे भैया, और सेशन को थोड़ा सा लाइक कर दो यार। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया गया है, तो ये कहां पे, गोरखपुर में, और जो गोरखपुर है ये कहां पे है, हरियाणा में है, हरियाणा, हरियाणा में है, ठीक है। एक गोरखपुर कहां पे है, आपका यूपी में भी है, कहां पे, यूपी में भी है, ठीक है। तो ये यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, ये हरियाणा वाला गोरखपुर है, और हरियाणा के किस जिले में पड़ता है, फतेहाबाद में, फतेहा, फतेहाबाद जिले में पड़ता है, कहां पे पड़ता है, फतेहाबाद में पड़ता है, ये भी आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा ए, क्या आ जाएगा, ए। अब कहां पे, हरियाणा में स्थापित किया गया है, तो थोड़ा सा हरियाणा के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। हरियाणा, हरियाणा के सीएम कौन हो जाएंगे, तो मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे कौन, बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पे गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यहाँ पे सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण है, सलीम पक्षी अभ्यारण है, और कोलेरू क्या है, पक्षी अभ्यारण है, और यहाँ पे क्या है, वड़खल झील है, और करोह चोटी है भैया, यहाँ पे फाग डांस, सांग डांस, और छठी नृत्य है ना, और धमाल डांस और डेफ डांस, ये क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं कहाँ पे, हरियाणा में। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं हरियाणा क्या है, भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, चंडीगढ़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चंडीगढ़, इसकी क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। और हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, कब, 1 नवंबर 1966 में हुआ था। तो हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है वो क्या है, चंडीगढ़ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये देखो तुम 18 का क्या लगा रहे,
18 का भैया ये हो जाएगा, तुम बल्लभगढ़ लगा रहे हैं, ना मानेगा पागल सा। चलो जी ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग कर दो। निम्नलिखित में से कौन से राज्य, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। तो हम आपको बताते हैं पाकिस्तान से कितने राज्य लगे हुए हैं। भारत के पाकिस्तान से 3 राज्य क्या होते हैं, स्पर्श होते हैं भैया। पहले क्या होता है तो आप कहोगे पंजाब, पंजाब, दूसरे पे राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान लगा हुआ है, उसके नीचे क्या लगा हुआ है, गुजरात लगा हुआ है, गुजरात, गुजरात। ये 3 राज्य क्या करते हैं भैया, पाकिस्तान की सीमा से साझा करते हैं। तो हरियाणा नहीं करता है, तो हरियाणा डी लिखा है, तो देखो यहाँ पे डी है इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ पे भी डी लिखा है, यहाँ पे भी डी लिखा है, इसलिए ए बी डी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सी। कुछ आया समझ में, बताओ। 21 का सी, बहुत बढ़िया दिलीप जी, काजू काजू एकदम शानदार। तो आंसर क्या आ जाएगा मुकेश जी, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का सी आंसर आ जाएगा। और ये देखो, ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जम्मू कश्मीर भैया पाकिस्तान की सीमा से लगता है, लेकिन जम्मू कश्मीर तो हमारा क्या है, एक यूटी है। तो ये देखो, ये पंजाब भी भैया पाकिस्तान की सीमा से लगता है, ये राजस्थान पाकिस्तान की सीमा से लगता है, और ये वाला पार्ट गुजरात किससे लगता है, पाकिस्तान की सीमा से लगता है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के कितने, 3 ऐसे राज्य हो जाएंगे जो पाकिस्तान की सीमा से भली भांति लगते हैं। एक बार सभी लोग लाइक कर दो, एक बार भैया सभी लोग क्या कर दो, लाइक कर दो, फिर हम लोग क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए चीन से, चीन से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो आप कहोगे एक तो हिमाचल प्रदेश लगता है, कौन सा, हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड लगता है, कौन सा, उत्तराखंड, तीसरा भैया सिक्किम लगता है, कौन सा, सिक्किम लगता है, ठीक है, चौथा भैया पश्चिम बंगाल लगता है, और पांचवा कौन सा आपका, आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश लगता है, कौन, अरुणाचल प्रदेश है। तो यहां पे हो सकता है ये पश्चिम बंगाल नहीं लगता होगा, है ना, पश्चिम बंगाल नहीं लगता होगा। तो ये देखो, ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड और क्या, हिमाचल प्रदेश, ये आपके वो भारत के राज्य हो जाएंगे जो कहीं ना कहीं चीन की सीमा से क्या होते हैं, स्पर्श होते हैं, जो कहीं ना कहीं चीन की सीमा से क्या होते हैं, स्पर्श होते हैं। इनको आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो, समझ गए आप लोग बात को, इन सभी पॉइंटों को आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कर दो, है ना, जल्दी से इसका क्या कर दो, आंसर कर दो। बताओ भैया URL, URL का मतलब कहीं ना कहीं हमसे ये पूछा गया है कि URL होता क्या है, हमसे क्या पूछा गया है कि जो URL है ये होता क्या है। चलो भैया, तो आप जल्दी से बताएंगे कि URL क्या होता है ना, आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि URL क्या होता है, जल्दी से आप लोग सभी लोग आंसर कर दो। बताओ भैया URL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। और ये होता क्या है, तो ये इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस होता है, क्या होता है, वेब पेज का एड्रेस होता है कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, ठीक है भैया, ये क्या होता है, वेब पेज का एड्रेस होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कई बार ये क्वेश्चन में आया है, कई बार ये क्वेश्चन में आया है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, और ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन के बारे में सही कथन क्या है, खिलाफत आंदोलन के बारे में सही कथन क्या है। तो यह जलियांवाला बाग के नरसिंहार के खिलाफ था, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यह क्या है, भारत के मुगल शाही परिवार को बहाल करने के लिए था, नहीं भैया, मुगल शाही परिवार तो भैया 1857 में ही चला गया था, 1857 में ही नष्ट हो गया था। यह पाकिस्तान की मांग से संबंधित था, ऐसा भी कुछ नहीं है। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में था, यह बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका,
भैया डी आ जाएगा, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन को लखनऊ से शुरू किया गया था, कहां से? लखनऊ से शुरू किया गया था, और कब शुरू किया गया था? 1919 में शुरू किया गया था, और ये कब तक चला था? 1922 तक चला था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो एक तो मोहम्मद अली ने, और दूसरा हो जाएगा शौकत अली। क्या हो जाएगा? शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो बंधु ऐसे हो जाएंगे अली बंधु, जिन्होंने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। लेकिन खिलाफत आंदोलन का ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का हेड कौन था? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का हेड कौन था? तो आप कहोगे गांधी थे। कौन थे? गांधी थे। समझ गए आप लोग बात को? आंसर क्या लगा दोगे इसका? आंसर डी लगा दोगे। क्या? डी। बहुत बढ़िया, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये देखो, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है बताओ? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से आप लोग बताओ। तो देखो, जो एडम स्मिथ है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र का जनक बोलते हैं। ठीक है। जो एरिस्टोटल है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? भूगोल का जनक बोलते हैं। भूगोल का जनक बोलते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे हम्बोल्ट को कहा जाता है। किसको? हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे भैया हम्बोल्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हम्बोल्ट को कहा जाता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है किसको? कार्ल रिटर को हम लोग क्या बोलते हैं? मानव भूगोल का जनक बोलते हैं। ठीक है भैया। अरस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? अरस्तु को हम लोग जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी का जनक बोलते हैं। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आ जाएगा? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भैया, चलो जी। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी क्षेत्र से संबंधित है, तो नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था जो स्वीडिश अकादमी है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। चिकित्सा या साहित्य या शरीर विज्ञान या फिर क्या? शांति। जल्दी से आप लोग बताओ किससे संबंधित है। तो ये भैया किससे संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। और साहित्य का क्षेत्र कब जोड़ा गया था नोबेल पुरस्कार में? तो ये 1969 में। पहले साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। पहले नोबेल प्राइज केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, फिर बाद में क्या हो गया, ये भैया साहित्य का क्षेत्र जुड़ गया। कब? 1969 में। तो अब नोबेल पुरस्कार भैया 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1895 में। कब? 1895 में। लेकिन पहला नोबेल कब दिया गया था? पहला नोबेल, तो आप कहोगे पहला नोबेल 1901 में दिया गया था। किसको? डब्ल्यू रॉन्जन को दिया गया था। किसको? डब्ल्यू रॉन्जन को दिया गया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 प्रकार के नोबेल कौन देता है? तो स्वीडन सरकार देता है, लेकिन एक प्रकार का जो नोबेल है वो नॉर्वे सरकार देती है। कौन? नॉर्वे। ठीक है, ये आपको नोट करना है। शांति का नोबेल कौन देता है? तो शांति का नोबेल नॉर्वे सरकार देती है। आंसर क्या लगा दोगे? 25 का बी लगा दोगे। क्या लगा दोगे? बी। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी किस स्थान का निर्माण, मतलब निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा नदी का निर्माण होता है? किस स्थान पर क्या होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है। जल्दी से आप लोग क्या करो, इसका आंसर बता दो। बहुत बढ़िया, साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। बिल्कुल सही है, और गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, बिल्कुल सही है। 1913 में हमारे भारत में पहला नोबेल दिया गया था। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को, और साहित्य का दिया गया था, और वो भी गीतांजलि पुस्तक के लिए। एक बार सभी लोग लाइक कर दो दिल से भैया। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे? लाइक करेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो भैया, जो गंगा नदी है ये कहाँ पे बनती है? इसका निर्माण होता है देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, ये पंचप्रयाग कहाँ पे स्थित हैं? तो आप कहोगे ये पंचप्रयाग हैं कहाँ पे? यूके में, यानी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं। ये देखो यहां से आएगी धौली गंगा और यहां से आएगी अलकनंदा। यहां से आएगी धौली गंगा, यहां से आएगी अलकनंदा, और ये दोनों कहां पे मिल जाएंगी? ये विष्णुप्रयाग में मिल जाएंगी। ठीक है, फिर अब यहां से जाएगी जो नदी वो क्या होगी? वो अलकनंदा नदी होगी। अब यहां से अलकनंदा जाएगी और यहां से नंदाकिनी नदी पहुंचेगी, और ये दोनों कहां पे मिल जाएंगी? ये भैया नंदप्रयाग में मिल जाएंगी। ठीक है भैया, फिर आगे जाएगी यहां से जो अलकनंदा नदी होगी, अब यहां से अलकनंदा नदी गई और यहां से पिंडार नदी। कौन सी? पिंडार। अब ये दोनों कहां पे मिल गई भैया? ये दोनों मिल जाएंगी कर्णप्रयाग में। ठीक,
फिर यहां से जब जो निकलेगी वो भी अलकनंदा ही नदी होगी, तो ये अलकनंदा यहां से जाएगी और यहां से मंदाकिनी नदी मिल जाएगी, और ये दोनों कहां पे मिल जाएंगी, ये रुद्रप्रयाग में मिल जाएंगी। कहां पे? रुद्रप्रयाग में। अब यहां से जो रुद्रप्रयाग से आगे नदी निकलेगी ये भी अलकनंदा नदी ही होगी, तो यहां से अलकनंदा नदी जाएगी और यहां से भागीरथी आ जाएगी, और ये दोनों कहां पे मिल जाएंगी, ये दोनों देवप्रयाग में मिल जाएंगी। अब जब देवप्रयाग में मिलेंगी तो ये यहां से जो अगली नदी बनेगी ये कौन सी नदी बनेगी, गंगा नदी बनेगी। कौन सी? गंगा, 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 हे गंगा, है ना। तो ये नदी कौन सी हो जाएगी, इस नदी का नाम हो जाएगा पिंडार, पिंडार रिवर। क्या हो जाएगी? पिंडार नदी। जिस देश में गंगा रहता है, तो गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 25-25 किलोमीटर। कितनी? 25-25 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी। लेकिन गंगा नदी भारत में कितनी बहती है, तो 2071 किलोमीटर गंगा नदी भारत में बहती है, ये भी आपको नोट कर लो, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फैशन नगरी किस शहर, किस देश के शहर को कहा जाता है, फैशन नगरी किस देश के शहर को कहा जाता है, जल्दी से आप लोग बता दो। तो फैशन नगरी कहा जाता है किसके, फ्रांस देश के शहर को कहा जाता है, किसके, फ्रांस को कहा, फ्रांस देश के शहर को कहा जाता है। और फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस। क्या हो जाएगी? पेरिस हो जाएगी। और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, यूरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी, ठीक है। जो जो फ्रांस है ये कहाँ पे है, यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में है, ये भी आप लोग नोट कर लो। वो पेरिस को क्या कहा जाता है, पेरिस को कहा जाता है विश्व की जन्नत या फैशन नगरी कहा जाता है, किसको, पेरिस को। और यहीं पर क्या है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, किसका, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, ये भी आपको नोट करना है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। कब? 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या लगा दोगे, डी। क्या लगा दोगे भैया, डी आंसर लगा दोगे, क्या, डी। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नौ रत्नों में से एक था। तो देखो नौ रत्न किस किस के दरबार में थे, एक तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, और भैया नौ रत्न थे किसके, अकबर के शासनकाल में, अकबर, अकबर के शासनकाल में भी थे नौ रत्न, और नौ रत्न थे किसके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में, विक्रमादित्य के शासनकाल में भी क्या थे, नौ रत्न थे, ये आपको नोट करना है। लेकिन भैया क्वेश्चन पूछा जाए अष्ट प्रधान किसके शासनकाल में थे, तो शिवाजी के शासनकाल में, शिवाजी, शिवाजी के शासनकाल में थे। और अष्ट दिग्गज किसके शासनकाल में थे, तो आप कहोगे विजयनगर साम्राज्य में, किसमें, विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य में भी क्या थे, अष्ट दिग्गज थे, ये आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो। अब हमसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को हम लोग महाराजा अधिराज और देवराज और देवश्री के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, बाहिर मिहिर, बाहिर मिहिर एक ऐसा व्यक्ति हो जाएगा जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहता था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन, हाँ जी कृष्ण देव राय, बिल्कुल सही, कृष्ण देव राय के शासनकाल में क्या थे, अष्ट दिग्गज थे, क्या थे, अष्ट दिग्गज थे, अष्ट दिग्गज, बिल्कुल बिल्कुल, कृष्ण देव के शासनकाल में क्या थे, अष्ट दिग्गज थे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, बी आ जाएगा। अब चंद्रगुप्त के शासनकाल में, विक्रमादित्य के शासनकाल में नौ दरबारी थे, नौ में से पहला हो जाएगा कालिदास, जो क्या था, एक साहित्यकार था। दूसरा हो जाएगा बाहिर मेहर, जो क्या था, एक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित काम करता था। तीसरा हो जाएगा छपड़क, जो क्या था, एक ज्योतिष विज्ञान था। चौथा हो जाएगा घटक करपर, तो ये क्या था, ये एक शिल्पकार था। पांचवा हो जाएगा धनवंतरी, जो क्या था, एक चिकित्सा था, क्या था, चिकित्सा था। छठवा हो जाएगा अमर सिंह, जो क्या था, शब्दकोश पर काम करता था। सातवां हो जाएगा बरुची, जो क्या करता था, व्याकरण से संबंधित काम करता था। आठवां हो जाएगा बेताल भट्ट, जो जादू, जादू से संबंधित काम करता था। किसी पे जादू चलाना हो तो बेताल भट्ट को बुलाया जाए। शंकु, ये भैया कौन से नंबर का हो जाएगा, नौवें नंबर का हो जाएगा। और ये क्या था, ये वास्तुकार था, किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का, है ना, है ना। ओम भूर्भुवः तत्सवः भूर्भुवरेण्यं भर्गो देवः धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कुछ इस प्रकार से मंत्र पढ़े जाते हैं, है ना, जैसे कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणलब्धज मंगलम पूर्णे गगजाय मंगलाय तनो हरि। आज से आप और आप दोनों लोग संपन्न हुआ है, एक बंधन में बंध गए हैं, तनो हरि। तो पढ़ते हो ना मंत्र, तो ये जो जादू टोना से संबंधित जो था वो कौन था, बेताल भट्ट था, ये भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, जादू भी सिखाया जाता है, जादू भी सिखाया जाता है, आप बंगाल चले जाओ, बंगाल में जादू भी सिखाया जाता है आपको, ठीक है। तो राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, जल्दी से आप लोग क्या करो, इसका आंसर बता दो, है ना, जिसके जीवन में ये वाले मंत्र सुनने को मिल जाए।
जिनके जीवन में ये वाली मंत्र सुनने को मिल जाए, तनो हरी, तो समझ जाना भैया बस अब कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया है, अब कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया है और आप एक ऐसे बंधन में बन गए हैं जिससे आप पूरी जिंदगी भाग नहीं सकते भैया, कहीं ना कहीं भैया तुम्हें बस समझ गए, हाँ बस समझ जाओ। तो ये सारी चीजें हैं भैया, बहुत ज्यादा है टफेस्ट। चलो तो क्वेश्चन नंबर देखो, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो आप कहोगे भैया सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद यंत्र से संबंधित है? नहीं था। निम्नलिखित में से कौन संतूर वाद यंत्र से संबंधित नहीं था? जल्दी से आप लोग क्या कर दो, इसका आंसर बता दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, जल्दी से बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत प्यारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो संतूर वाद यंत्र से संबंधित नहीं था? तो देखो, अरुण भट्टाचार्य ये संतूर बजाते थे, भजन शोपोरी ये भी बजाते थे, और शिव कुमार शर्मा ये भी बजाते थे, लेकिन उस्ताद अमजद अली खान ये संतूर वादक नहीं थे, ये संतूर वादक नहीं थे। आंसर क्या आ जाएगा? डी, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है। अब हम आपको आगे बताते हैं, ये देखो ये आपके क्या हो जाएंगे भैया, ये आपके भैया कुछ व्यक्ति हो जाएंगे संतूर वादक। देखो शिव कुमार शर्मा क्या हो जाएंगे, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। यहाँ पे भजन सोपारी है क्या? भजन सोपारी संतूर हाँ, तो ये तो बजाते थे ना, ये देखो भट्टाचार्य और ये लोग क्या करते थे, संतूर बजाते थे, क्या करते थे, बजाते थे, ये बजाते थे, लेकिन जो उस्ताद अमजद अली खान है ये संतूर वादक नहीं बजाते थे, तो नहीं पूछा गया है, हमने आंसर क्या दे दिया, बी दे दिया बस। तो ये देखो संतूर वादक ये लोग हो जाएंगे, ये सरोद वादक, सितार वादक, सहनाई वादक, बांसुरी वादक, तबला वादक और वायलिन वादक और पखवाज वादक और वीणा वादक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए। आप लोग इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और यही हमसे सबसे ज्यादा पूछे आते हैं, यही हमसे सबसे ज्यादा पूछे आते हैं भैया, इसका आप लोग क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो सितार वादक में पंडित रविशंकर का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और उमाशंकर मिश्र हो जाएंगे, विलायत खान हो जाएंगे और साहिद परवेज हो जाएंगे, ये लोग क्या करते हैं, सितार बजाते हैं। सरोद वादक अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान और मुकेश शर्मा, ये क्या करते हैं, सरोद बजाते हैं। लेकिन संतूर शिव कुमार शर्मा और भजन शोपारी। बांसुरी वादक का सबसे ज्यादा पूछा जाता है हरिप्रसाद चौरसिया का, ठीक है भैया। और इसके साथ साथ तबला वादक भी पूछा जाता है जाकिर हुसैन का, अल्लाह रखा खां का और गुदई महाराज, किशन महाराज, ये क्या करते हैं भैया, तबला बजाते हैं, क्या करते हैं, तबला बजाते हैं। लेकिन जो आपका वीणा है ये एस बालचंद्रन, कौन, एस बालचंद्रन और बदरुद्दीन डायर, बदरुद्दीन डायर ये क्या करते हैं भैया, बीना बजाते हैं, क्या करते हैं, बीना। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए बीना वादक किसको कहा जाता है, ये आप लोग बताओ। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बीना वादक, बीना वादक किसको कहा जाता है, वादक, तो आप क्या कहोगे, बीना वादक कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बीना वादक किसको कहा जाता है भैया, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्लियर है? चलो तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको क्या देते हैं, होमवर्क देते हैं। ये आपका क्या है भैया, होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो, ये आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन भैया जाने से पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, जाने से पहले हम आपको एक पॉइंट और बताना चाहते हैं कि भैया आ गया है ना आपके लिए, बहुत बढ़िया। तो ये देखो एमपी स्पेशल के लिए, एमपी में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कि एमपी वन रक्षक, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी स्टेनो, एमपी नर्सिंग, तो ये सभी आपको क्या मिल जाएंगे, लाइव कोर्स मिल जाएंगे। और ये कब से, अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको कोर्स मिल जाएंगे 999 में, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ईपी न्यू कोड यूज करना पड़ेगा। जो भी पुराने विद्यार्थी हैं उनको आपको ये मिल जाएगा भैया 749 में, और आपको क्या करना पड़ेगा, ईपी ओएलडी ओल्ड कोड यूज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या ले लिया, परिवर्तन और ले लिया भैया, कितने का, नए बच्चे 1999 में और पुराने बच्चे 1499 में। यदि ये कोर्स आपने परचेस कर लिया तो आप ऑल ओवर इंडिया में जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी हो, या डिफेंस, एनडीए, सीडीएस वगैरह, कुछ भी हो, आप क्या कर सकते हैं, आप हर एक एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हर एक एग्जाम के लिए आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बका आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए, और सभी को फिर से एक बार जय हिंद। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, धन्यवाद।